नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर देखिए, मेरे को एक पॉइंट आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग मिस कर देते हैं। उसके बाद में मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया था, सर उस दिन आपने वो नहीं बताया, नहीं तो मेरा इतना बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। तो आज हम डिस्कस, मैं सब कुछ करता हूँ, हर वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा होगा तो डेफिनेटली आपने समझा होगा कि मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज भी एक एक पॉइंट को आप लोग समझ लेना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे शिबा इनू के ऊपर, हम लोग एसएससी के ऊपर बात करेंगे, एक्सआरपी के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंटली यदि बात करें बिटकॉइन के ऊपर तो बात करनी है, साथ में आपको एक स्टॉक मार्केट की भी बात बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पे निफ्टी का जो पी रेशियो है वो किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो सब कुछ मैं इन डिटेल जाने की कोशिश करूँगा। इथेरियम के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है, इथेरियम के अंदर प्राइस मूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, तो उसके ऊपर भी बात करूँगा। बाकी शिबा इनू की जो आपकी हमेशा एक क्वेरी होती है कि ₹1, ₹10, ₹15, ₹20 ये कब चला जाएगा, $1 कब चला जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे सबसे पहले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। फटाफट अभी तक यदि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, उसके साथ में वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बिटकॉइन की यदि मैं प्राइस देखूँ तो 29,363 पे अभी ये रेंज कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये 29,200 का जो एक वैल्यू है उसको ना तोड़े कम से कम, बल्कि एक पॉइंट यहाँ पे ये अच्छा ज़रूर हो गया है कि इस एरिया में ये यहाँ पे अच्छे से रेंज कर रहा है। तो इस एरिया में ये अच्छे से यहाँ पे रेंज करता हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया में। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं बार बार यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि ये कब तक यहाँ पे सस्टेन करता है। इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि आज का जो दिन है वो सैटरडे और फिर संडे, ये जो दो ऑफ डेज होते हैं यहाँ पे इतनी ट्रेडिंग नहीं होती है, इतनी वॉल्यूम नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है कि यदि वॉल्यूम नहीं आएगी तो क्या ये पॉइंट्स को यहाँ पे रेजिस्ट कर पाएगा या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। यदि नीचे गिरता है तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे आपको नेगेटिव होता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट अगले पॉइंट के ऊपर, शिबेरियम के ऊपर। देखिए शिबेरियम का मैं कल भी देख रहा था, परसों भी मैंने देखा कि बर्न ट्रांजेक्शन जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो बर्न ट्रांजेक्शन लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये 3 घंटे पहले का जब मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उससे 3 घंटे पहले का, तो उसके बाद और ट्रांजेक्शन आ जाएगी जब तक ये वीडियो रिलीज होने वाली है। अब यहाँ पे आप देखिए केवल बर्न ट्रांजेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है कि ये बर्न ट्रांजैक्शन के ऊपर ही एक न्यूज़ थी कि शिबा इनू बर्न एड्रेस हिट्स $4.1 बिलियन। उसी के साथ में एक न्यूज़ आती है कि सोशल मीडिया के हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको ये पॉइंट बार बार कई वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई क्रिप्टो टोकन का आपको चेक करना हो कि उसका प्राइस मोमेंटम हो सकता है, उसके अंदर एक चीज़ आपको देखनी है वो सोशल मीडिया के ऊपर कितनी बात हो रही है उसके ऊपर। आप देखिए गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लीजिए कि शिबा इनू का सोशल मीडिया टॉक कितना हो रहा है, या फिर उसके चार्ट को देखिए गूगल के ऊपर लिखिए कि शिबा इनू वर्ड को लोग कितना सर्च कर रहे हैं। एक आपको चार्ट नज़र आएगा, उसको आप लोग देख लीजिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो चार्ट यदि ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली आपका शिबा इनू भी ग्रोथ करेगा। और यही रीज़न है, अब मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ, ये आप देखिए यही रीज़न है आपका शिबा इनू यहाँ पे ग्रोथ करने का। ये देखिए ये जो ग्रोथ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने बिल्कुल यहाँ पे जो 50 डे ईएमए का हमारा रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करके 10 डे ईएमए अपसाइड मूवमेंट लिया है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन उसी के साथ में ये जो ग्रीन कैंडल्स आपको बनती हुई नज़र आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये 2-3 न्यूज़ का मिक्सचर है। और अगस्त महीना वैसे भी मैंने आपको बोला था शिबा इनू काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, यदि आपने पिछली वीडियोज़ देखी है तो डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिट में होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रॉफिट में होंगे। और अभी भी मैं कहूँगा कि ये चांस अच्छा है कि शिबा इनू के अंदर अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट हमको और भी यहाँ पे नज़र आ रहा है जिस तरीके से चार्ट में नज़र आ रहा है। तो यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, बिटकॉइन अपना सस्टेन करता है लेवल को, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका जो शिबा इनू है वो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। बाकी ₹1, $1 उनकी बात हम नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट ये है कि वो एक मतलब सोच के परे वाली बात है, वो एकदम से तो नहीं हो सकता ना, आपको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि शिबा इनू यदि रेगुलर इसी तरीके से न्यूज़ में रहा तो एक दिन आएगा कि हो सकता है वो ₹1 भी चला जाए, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है क्रिप्टो के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर, टोटल उसके टोकन्स कितने हैं मार्केट के अंदर, सप्लाई चेन कितना बाकी पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट वहाँ पे काम करती है। अब मैं आता हूँ इथेरियम के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको निफ्टी वाला जो पॉइंट है वो बता देता हूँ। देखिए निफ्टी के अंदर क्या होता है ना कि अभी आप लोग देखोगे 2023 के अंदर आपका जो पीई रेशियो है वो पिछले एक साल के अंदर, यदि मैं पिछले 7-8 महीने की बात करूँ तो जनवरी से लेकर अगस्त तक ये पीई रेशियो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है। ये देखिए 21, 22, 23, 22.6, ये धीरे धीरे से एरिया जो है वो ग्रोथ में आ रहा है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ग्रोथ आ रहा है ना, तो डेफिनेटली वो बेस्ट टाइम होता है कि आप लोग अपना पैसा इसके अंदर डाल दो। देखिए 20 के आसपास होता है ना, तो सोचने की भी जरूरत नहीं होती, पैसा डाल सकते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में डालो, चाहे कहीं पे भी डाल दो। अब क्रिप्टो में तो वैसे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो और पैसा अच्छा खासा यहाँ पे भी बनता है, और एक वैल्यू मतलब आप कह सकते हो कि रेगुलर आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और अभी ये बहुत बढ़िया मौका है, बाद में हो सकता है ये ट्रेन आप लोग मिस कर दो। ये देखिए जैसे 36, 39, 33, ये 2021 का साल है जब लोगों ने पैसे बनाए, इसके अंदर गजब के पैसे बनाए थे। उस टाइम क्रिप्टो भी उतना नहीं होगा जितना मतलब लोगों ने यहाँ से पैसे निकाल लिए। तो यही पॉइंट आपको समझना है कि अभी आपके पास टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक मार्केट के अंदर। अब मैं आता हूँ अगले हमारे इथेरियम वाले पॉइंट के ऊपर। जहाँ तक इथेरियम की बात है, तो देखिए इथेरियम के अंदर पेपाल की बहुत बड़ी न्यूज़ है, और उस न्यूज़ के कारण मैं वो न्यूज़ आपको अच्छे से मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी वो लॉन्ग न्यूज़ है, थोड़ा ठीक से आपको समझाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके हमारे दो चैनल है, एक हमारा फ्यूचर ग्रुप्स वाला चैनल है, उसकी लिंक आपको इस टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करोगे, जिसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, इसको करने के बाद आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, बाकी फ्यूचर्स वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे लोग डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, हम लोग डेली वहाँ पे सिग्नल्स आपको शेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इथेरियम की, तो प्राइस मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा संडे को वेट कर लीजिए, मंडे से आप यहाँ पे देखिएगा इथेरियम के अंदर यदि 1800 वाली वैल्यू को रेंज करता हुआ रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो इथेरियम के अंदर, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो आने वाले कुछ टाइम के अंदर। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली इथेरियम का मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस अच्छा खासा मोमेंट लेगा अपसाइड। अब यही कुछ बातें थी इस वीडियो में मुझे करनी थी। बाकी हाँ, एक और चीज़ है माइक्रो स्ट्रैटेजी के, जो यहाँ पे यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो वो 206% बढ़े हैं आफ्टर अडॉप्टिंग बिटकॉइन स्ट्रैटेजी। जब से उन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पे अडॉप्ट किया है ना, तब से डेफिनेटली उनको ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हुई है, ये हमको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। आप लोग देख सकते हो टोटल बिटकॉइन ने उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं निकाला होगा जितना माइक्रो स्ट्रैटेजी ने, यहाँ पे उनका जो स्टॉक है वो बढ़ा है। उसके बाद S&P इंडेक्स हो गया, नैसडैक हो गया, गोल्ड तो यहाँ पे माइनस में गया है, बॉन्ड्स भी माइनस में गए हैं, सिल्वर भी माइनस में गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आने वाले 6 महीने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। एक तो सितंबर हमारा जो आपको पता है कि G20 मीटिंग होने वाला, उसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शंस को अपना टेक ओवर करती है। और केवल इंडियन गवर्नमेंट नहीं, बल्कि G20 नेशंस के अंदर जितने 20 नेशंस वहाँ पे आएंगे, वो किस तरीके से उसको फ्रेम आउट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम SSE की बात करें तो XRP के ऊपर ये जो अपना लॉस रूट था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आ रहा है। XRP के यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी खुश हैं इस बात से, और XRP ने अच्छा ग्रोथ किया है, और उम्मीद करते हैं कि XRP आने वाले टाइम के अंदर भी इसी तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी दुखी थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आउट होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए फिर इन्हीं कुछ बातों के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी आपका कोई भी व्यू पॉइंट है कमेंट में जरूर बताना, आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में जरूर लिखना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।